नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीबी नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है मुंबई और मुंबई की फिल्मी दुनिया में। सभी स्टारों के साथ काम कर रहे हैं, पवन जी के साथ, दिनेश जी के साथ, खेसारी जी के साथ, और हाल के दिनों की आप पहली एक्ट्रेस ऐसी होंगी जो कि सभी स्टारों के साथ काम कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? लॉबिंग भी आप नहीं करते हैं? हाँ जी, लेकिन ये सब हमारे श्रोता लोग का प्यार और आशीर्वाद है जो एल्बम से फिल्म तक बहुत जल्दी आ गई और एक साल में बहुत सारी मूवी भी की। बहुत अच्छा लगा और जो भी काम हम करते हैं सभी लोग पसंद करते हैं। एल्बम कितने हो गए आपके? तो बहुत सारे हैं, 25 से ऊपर ही होंगे। और चांदनी, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा कि सारी सर से मेरी लॉन्चिंग उनके साथ हुई है। सॉन्ग था हमारा डोली में गोली मार दे, पलंग करे चोए चोए, मिलते मरे धमके भूल गई हूँ। अभी हमने अभी एक और सॉन्ग की हूँ ठीक है, जो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका भी, तो उसका वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएगा। आप इस समय नए लोगों के साथ भी काम करें, पुराने लोगों के साथ भी काम करें, कैसे तालमेल कैसे बैठता है आपका? हो जाता है, हम सीखने की हमारे दिल में बहुत इच्छा रहती है, इसीलिए सारे जितने भी खेसारी सर हैं, पवन सर हैं, सभी लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इस एल्बम के प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं समीर जी, उनके बारे में बताते हैं। कैसा रहा पहले दिन का अनुभव? बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ भी काम करके। आपको इस गाने में कोरियोग्राफी, आपके गाने की कोरियोग्राफी कर रहे हैं रामदेव, भोजपुरी के नंबर वन कोरियोग्राफर माने जाते हैं, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा, और रामदेव सर के साथ मेरी पहली मूवी थी मैं नागिन 2017, और उसमें फर्स्ट चांस ही मुझे रामदेव सर के साथ काम करने को मिला, तो बहुत अच्छा है और बहुत सीखने को भी बहुत मिलता है, और बुलाना भी चाहूँगी रामदेव सर को। 7-8 फिल्में हैं पवन जी के साथ, आपकी ज़्यादातर फिल्में हैं, कैसा रहा पवन जी के साथ काम करने का? पवन सर, मैं सॉन्ग की थी एल्बम गौरा हो हसदना, उससे मुझे मूवी अच्छे अच्छे लोगों ने देखा, डायरेक्टर्स जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं डायरेक्टर लोगों ने देखा, और उस गाने को देख के ही मुझे आज जो भी काम मिल रहा है उसी सॉन्ग की वजह से मिल रहा है। अपने दिनेश जी के साथ भी एल्बम किया है, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? हाँ, दिनेश सर के साथ भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा रहा पवन सर के ही साथ रहा।
किसी भी नई लड़की को इस फील्ड में जमना बहुत ही टेढ़ी खीर रहता है। अब जो है इतनी जल्दी आपने कदम जमा लिया, सारे लोग आपको जानते हैं, सारे लोग आपके साथ अच्छा तरीके से व्यवहार करते हैं, कैसा क्या कहेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में? सब लोग अच्छे हैं, सब अच्छे हैं इसलिए हम अच्छे हैं, तो सभी लोगों के साथ हमारा। आप टेलीविजन और हिंदी में कब आ रहे हैं? हिंदी फिल्म चांस तो मिला है साउथ के लिए, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। कुछ और ऐसा सवाल जो हमने पूछा ना बताना चाहती हैं? यही कहूँगी सब नहीं, ऐसा कुछ तो सवाल नहीं। थैंक यू।